फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ए वाई किचन। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे लोबिया की दाल, लोबिया मसाला करी, या फिर रोंगी भी इसे कहा जाता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये दाल। चलिए अब हम अपनी ये रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, लोबिया मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को रात भर भिगो कर रखेंगे। यहाँ मैंने एक कप दाल ली है, इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और साथ ही चुटकी भर हींग और स्वाद अनुसार नमक भी डाल लीजिए। इसे 3 से 4 विसल तक पका लीजिए। दूसरी तरफ हम अपना मसाला भी तैयार कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ लिए है 2 प्याज, 7 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक कप डाइस्ड कैन टोमेटोज। आप चाहे तो फ्रेश टोमेटोज भी यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। मैं इसे रफली चॉप करना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो इसका एक मसाला भी तैयार कर सकते हैं। और मैं यहाँ दोस्तों एक चॉपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये चॉपर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अनियंस, जिंजर एंड गार्लिक को इकट्ठे ही चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना लोबिया भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोबिया अब गल चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। फिर आप इसी बर्तन में 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लीजिए और फिर इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहे तो मिर्च को बारीक भी चॉप कर सकते हैं। साथ ही इसमें अनियन, गार्लिक और जिंजर का मिक्सचर डालकर इसे अच्छे से भून लीजिए। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डनिश ना हो जाए। मसाले के गोल्डन टर्न होने के बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। इसे आप ज़रा सा चला लीजिए और फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच हल्दी। इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। मसाले के तैयार होने के बाद हम इसमें उबला हुआ लोबिया भी डाल देंगे। मैं यहाँ सिर्फ लोबिया डाल रही हूँ और उसका पानी मैं अलग से रख लूँगी, जिससे कि मैं लोबिया को कुछ देर मसाले में अच्छे से भून सकूँ। लोबिया को 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें बचा हुआ पानी और साथ में 1 कप पानी और डाल देंगे। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसमें डाल सकते हैं और फिर इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। दाल के बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। इसे आप अच्छे से चला लीजिए और फिर 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। और फिर दोस्तों, आपके यह स्वादिष्ट लोबिया मसाला करी या लोबिया की दाल तैयार है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट मी टू अपलोड दिस रेसिपी इन इंग्लिश, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।